अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम हिना चौधरी एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग siyasat.pk। पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला और सबसे बड़ा कहा जा सकता है कि समाजी तहफ़ का ये प्रोग्राम है। सवाल आपसे ये है क्योंकि इस प्रोग्राम का जो फोकस है वो गरीब तबके पे है कि पिसा हुआ तबका, उसको अपलिफ्ट करना है, उनकी मदद करनी है, यानी कि नेशनल पॉवर्टी लाइन में जो पाकिस्तान के जो नीचे लोग फॉल इन कर रहे हैं उनको हेल्प आउट करना है कि कैसे उनकी अपग्रेडेशन हो सकती है, माली हालात हों या फिर पढ़ाई की बात की जाए। माशरे के वो अफराद जिनको हम सफ़ेद पोश लोग कहते हैं या फिर मिडिल क्लास लोग हैं, अभी कोरोना में हमने देखा बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया, बहुत सारे लोगों को अखराजात की तंगी फील हुई, यानी कि कुछ माली हालात की तंगी फील हुई। आपका इरादा है आगे जाके ऐसे अफराद को भी माशरे के जो मिडिल क्लास है या फिर जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको इस प्रोग्राम में लाया जा सकता है? देखिए, जब कोविड की इमरजेंसी थी तब तो क्योंकि हमने 15 मिलियन फैमिलीज़ को सपोर्ट किया और पाकिस्तान में तखमीने के मुताबिक 36 मिलियन फैमिलीज़ हैं, तो बहुत से सफ़ेद पोश फैमिलीज़ ने इससे मुस्तफ़ीद वो हुए थे और हमारी इंटेंशन भी ये थी कि सफ़ेद पोश फैमिलीज इससे मुस्तफ़ीद हों। एहसास की प्रोडक्ट्स जो हैं अब उनका दायरा कार बढ़ाना कि ज़्यादा फैमिलीज़ उससे मुस्तफ़ीद हों वो एक बजटरी डिसीजन होता है और हमारी कॉन्स्टेंटली जो हम पुश करते हैं हम वो यही करते हैं कि हमें ज़्यादा फैमिलीज़ के लिए बजट दिया जाए। जब ज़्यादा फैमिलीज़ की के लिए बजट मिलेगा तो दायरा कार भी वसी होगा और ज़्यादा सफ़ेद पोश ख़ानदान जो हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। मगर इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे कि एहसास बिलासूद कर्ज़ा है, ठीक है ना, उसमें तो जो थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी ऊंचा है। तो अक्सर मैं जब जाके फील्ड में देखती हूँ तो दुकानदार है, उसने स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, वो भी बिलासूद कर्ज़ा उसने लिया हुआ है। एक सफ़ेद पोश खानदान है, जो खातून खाना है, उनका ब्यूटी पार्लर है, उन्होंने भी 50,000 लेके अपनी कारोबार को बढ़ाया हुआ है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं कि बिलासूद कर्ज़ा से बहुत से ऐसे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। इसके अलावा एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है वो बहुत से सफ़ेद पोश ख़ानदानों के जो तालिब इल्म होते हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एक बहुत ही अहम एहसास का हिस्सा है क्योंकि पहले हुकूमत पाकिस्तान की पिछले 10 साल से जो स्कॉलरशिप पॉलिसी थी वो MPhil और PhDs को सपोर्ट करते थे। कोई MPhil तक पहुंचने से उसने FA भी करनी है, ग्रेजुएट स्टडीज़ भी अंडर ग्रेजुएट भी करनी है और वहाँ पे बहुत लोग अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तो ये बात मुस्तनद है और मानी जाती है कि जो अगर किसी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी एलिविएशन है, किसी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, जैसे वज़ीर आज़म कहते हैं ना कि पीछे ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रहने वालों की फलाह किसी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, तो फिर हायर एजुकेशन पॉलिसी में अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पे फोकस करना सबसे ज़्यादा अहम होता है। तो ये जो पॉलिसी शिफ्ट है वो हमारी गवर्नमेंट लेके आई है। पिछले साल हमने 5 अरब की 50,700 स्कॉलरशिप्स दी हैं। इस दफ़ा प्रोसेस फिर इस साल का क्लोज हुआ है, फिर स्कॉलरशिप्स रोल आउट होंगी। तो आपका जो सवाल था वो ये था कि सफ़ेद पोश घराने किस तरह से एहसास से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो वो स्कॉलरशिप से और बिलासूद कर्ज़ा से तो आज भी हो रहे हैं।